जय श्री श्याम दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना क्यों जरूरी है। अगर आपने लिंक नहीं कराया है तो आपको फ्यूचर में क्या क्या परेशानी हो सकती है, कितनी पेनल्टी आपको देने पड़ सकती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज मैं आपको बता दूं, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, ठीक है दोस्तों, उनने क्या करा था दोस्तों, जुलाई 2017 में दोस्तों ये लागू करा था कि हमारा जो पैन कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। वो दोस्तों इसलिए करा था क्योंकि दोस्तों आजकल क्या होता है, आपने देखा होगा फ्रॉड एप्लीकेशन लोन वगैरह की काफी चल गई है, इसलिए दोस्तों हमारा जो पैन कार्ड है आधार कार्ड से वेरीफाई करवाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए इन्हें नियम निकाला था। दोस्तों क्या हुआ था, 2022 तक, पहले दोस्तों 2017 से 18-19 तक ही फ्री ऑफ चार्ज था, आप आराम से ई मित्र पे जाके या खुद के मोबाइल से पर्सनली आप इसको लिंक कर सकते थे, ठीक है, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते थे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, 2022 के अंदर इसमें पेनल्टी लगने लग गई, ठीक है, इसके चार्जेस लगने लग गए, क्या 500 रुपए चार्ज लगने लग गए इसको लिंक कराने के। लेकिन दोस्तों अब मैं बात करूं 31 मार्च 2023, दोस्तों ये 2023 की बात कर रहा हूं, 31 मार्च 2023, इससे पहले अगर आपने आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, ठीक है, तो आपको पहली चीज तो 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी अप्रैल के अंदर, ठीक है। देन दोस्तों अगर आप 2023 में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराते हो तो दोस्तों टोटल जो आपका खर्चा बैठेगा, जो आपका चार्जेस लगेगा, वो लगेगा 1,000 रुपए का। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1,000 रुपए तो गवर्नमेंट की फीस है दोस्तों, 1,000 रुपए, ठीक है। एंड अगर आप ई मित्र वगैरह से करवाते हो तो वो 100 रुपए खुद के चार्ज लेंगे। अगर आप ई मित्र से ना कराते हो, खुद से करना चाहते हो, तो दोस्तों इसकी वीडियो बहुत जल्दी में लाऊंगा, आप आसानी से घर बैठे खुद के डिवाइस से आप आराम से लिंक कर सकते हो आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से। तो दोस्तों अगर आप ई मित्र से कराते हो तो टोटल 1,100 रुपए का खर्चा इसमें बैठ रहा है। अब बात आती है दोस्तों कि अगर हम इसको लिंक ना कराएं तो क्या रहेगा। तो दोस्तों पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लिंक नहीं कराते हो तो आपका जो पैन कार्ड है वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, पैन कार्ड डिसेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो या बैंक में आपके जितने भी ट्रांजेक्शन करते हो, वो आपके सारे रोक दिए जाएंगे, क्योंकि आपका पैन कार्ड डिसेबल हो जाएगा, एक तरीके से वो बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड चीज, उसमें आपको चार्जेस भी लगेगा, ठीक है। अभी जो सुनने में ऐसे ही आ रहा है कि 10,000 रुपए आपको आपके बैंक से ऑटोमेटिक कट जाएगा, दोस्तों ये रियल है या फेक है अभी इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट अपडेट नहीं दे रहा हूं मैं 10,000 वाली, लेकिन अभी न्यूज यही चल रही है कि 10,000 रुपए आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये फ्रॉड वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है ये, ठीक है, फेक न्यूज है ये। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है हमारे जो चार्जेस है, जैसे पहले 2021-22 में 500 रुपए था लिंक कराने का चार्ज, अब 1,000 रुपए हो गया, ऐसे करके शायद तक जो हमारे चार्ज है वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों देखो, आज नहीं कल आपको लिंक तो कराना पड़ेगा पैन कार्ड को आधार कार्ड से, और एक बार दोस्तों आप लिंक करा लेते हो तो आपकी खुद की सेफ्टी है, ठीक है। एंड सेकंड चीज, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, अगर आप ई मित्र पे जाओगे तो हो सकता है लिंक होने के बाद भी वो आपको बोल दे लिंक नहीं है और आपसे पैसे ले ले। तो इसके लिए दोस्तों आई बटन में आपको ऊपर एक वीडियो दिख रही होगी, वीडियो पे क्लिक करिए, मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है, मात्र 1 मिनट में आप चेक कर सकते हो आपका पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर से कि लिंक है या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री श्याम।